आज हम पढ़ेंगे घर्षण, मतलब फ्रक्शन। घर्षण क्या होता है? तो देखिए, घर्षण का हम जैसे एक पृष्ठ जे और दूसरा पृष्ठ जे, जब दो पृष्ठों को परस्पर संपर्क में रखकर, एक दूसरे पर चलाने का प्रयास किया जाता है, जब एक पृष्ठ को चलाएं या ये दूसरे पृष्ठ को चलाएं या दोनों को एक दूसरे के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है, तो जब एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ पर चलाने का प्रयास किया जाता है तो उनके संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाले गति विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसकी डेफिनेशन जो हो जाती है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के मध्य लगने वाले गति विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि जो कोई टेबल है और जो टेबल के ऊपर कोई पिंड रखा हुआ है, ठीक है, जो किसके ऊपर रखा है, टेबल के ऊपर, ये नीचे टेबल है। जब इस पिंड को हम इस डायरेक्शन में किसी बल द्वारा खींचते हैं, कोई बल लगा के इसको इधर हम खींचते हैं, तो जो टेबल के संपर्क में जो रखा हुआ है वो टेबल क्या करती है, इस पर विपरीत डायरेक्शन में एक बल आरोपित करती है। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं हम घर्षण बल, और घर्षण बल को हम स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पिंड क्या है, एक दूसरे के संपर्क में थे। ठीक है, तो परस्पर संपर्क में रखे दो पिंडों के मध्य लगने वाले गति विरोधी, यानी कि जब हम इस पिंड को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो जो इधर लगने वाला जो घर्षण बल है वो उसका विरोध कर रहा है, उसको जाने से रोक रहा है। ठीक है, तो परस्पर संपर्क में रखे दो पिंडों के मध्य लगने वाले गति विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, घर्षण बल को हम स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि जब पिंड परस्पर संपर्क में रखे हैं और गति नहीं कर रहा है तो उनके मध्य लगने वाला घर्षण बल शून्य होता है, यानी कि अभी इसको हम खींच नहीं रहे हैं तो इस पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। जैसे जैसे हम इस पर बल का मान बढ़ाते जाएंगे, इधर खींचने के लिए बल का मान बढ़ाते जाएंगे, घर्षण बल का मान भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जो घर्षण बल, बाह्य बल और घर्षण बल, दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम इसके ऊपर खींचने के लिए बल का मान बढ़ाएंगे घर्षण बल का मान भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो प्रारंभ में घर्षण बल कितना होगा? शून्य होगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि घर्षण कितने प्रकार का होता है, तो घर्षण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तीन कौन कौन से प्रकार होंगे उसके? एक होता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा सीमांत घर्षण, और तीसरा होता है गतिक घर्षण। अब ये तीनों क्या होते हैं, तो देखिए इनको समझेंगे। यदि हम वस्तु पर कोई बल नहीं लगा रहे हैं तो उस पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने इस वस्तु पर इधर बल लगाया, एफ बल लगाया, तो घर्षण बल इस डायरेक्शन में कार्य करने लगेगा। कितना हो जाएगा घर्षण बल? स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ का मान ज्यादा है और कैपिटल एफ का मान कम है, मतलब घर्षण बल ज्यादा लग रहा है और हमारे द्वारा लगाया हुआ बल कम है। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज कीजिए कि इधर के लिए लग रहा है 10 न्यूटन का बल और इधर हम लगा पा रहे हैं इस पर 7 न्यूटन का बल, तो क्या ये वस्तु को हम खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे। तो घर्षण बल ज़्यादा है और बाह्य बल, हमारे द्वारा लगाया गया बल, कम है। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर चलाने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन वो वस्तु उस पर चलेगी नहीं। तो जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है किंतु दोनों ही पिंड स्थिर रहते हैं तो इस प्रकार के घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को जमीन पर रखिए खींच रहे हैं,
लेकिन हम खींच नहीं पा रहे हैं, तो हम उस पर जो बल लगा रहे हैं उससे ज़्यादा बल जमीन पर, जमीन उस पर विपरीत डायरेक्शन में लगा रही है। ठीक है, हम जो बल लगा रहे हैं उस बल से खींच नहीं पा रहे हैं, मतलब हमारे द्वारा लगाया गया बल कम है और पृथ्वी द्वारा लगाया गया घर्षण बल अधिक है। तो ऐसी स्थिति में एक पिंड दूसरे पिंड पर गति नहीं करता है। तो इस प्रकार के घर्षण को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। फिर आता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण में क्या होता है कि हमारे द्वारा लगाया गया बल और पृथ्वी द्वारा लगाया गया घर्षण बल दोनों ही बराबर हो जाए, यानी कि जे इधर से भी 10 न्यूटन लगा रहे हैं और घर्षण बल का मान भी कितना है 10 न्यूटन। अब ये दोनों बल क्या हो गए, बराबर हो गए, ऐसा हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी पिंड चलेगा नहीं, क्योंकि यदि इस दर में थोड़ा सा बल और बढ़ जाता तो इसको हम खींच पाते। तो यदि हमारे द्वारा लगाया गया बल और घर्षण बल दोनों बराबर हैं, मतलब दोनों बल क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि बल क्या हो गया, एक प्रकार से संतुलित हो गया। तो जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है और दूसरा पिंड चलने के लिए तैयार हो जाता है, चलता नहीं है बिल्कुल, तैयार है कि थोड़ा सा बल और बढ़ जाए तो हम चलने लगेंगे। तो जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है किंतु फिर भी दोनों पिंड स्थिर रहते हैं, तो इस प्रकार के घर्षण को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो सीमांत घर्षण बल में क्या होता है, दोनों बल आपस में बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। तो सीमांत घर्षण बल में भी पिंड क्या है, चल नहीं रहा है, तो जे भी अपने आप में क्या हुआ, एक स्थैतिक घर्षण ही हुआ, क्योंकि सीमांत घर्षण बल में भी पिंड स्थिर ही है। तो सीमांत घर्षण बल भी अपने आप में एक स्थैतिक घर्षण ही है, या जे बोल सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण का शिखर मान है, स्थैतिक घर्षण का बिल्कुल शिखर, हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक, तीसरी स्थिति आती है गतिक घर्षण, यानी कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर चलने लगता है, यानी कि इधर बल का मान हो गया जैसे 10 से बढ़ाकर हमने 11 कर दिया, 12 कर दिया, तो अब ये पिंड क्या होगा, इस पर चलने लगेगा, क्योंकि इधर तो बल लग रहा है 10 ही न्यूटन। तो जब एक पिंड दूसरे पिंड पर चलने लगता है तो उनके संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो तीनों घर्षण शायद आपको समझ में आ गए होंगे, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण बल किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रक्शन। परस्पर संपर्क में रखे दो पिंडों के मध्य लगने वाले गति विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं, तथा इसे स्मॉल एप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह निम्न तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, स्थैतिक घर्षण। नंबर दो, सीमांत घर्षण। और नंबर तीन, गतिक घर्षण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टैटिक फ्रैक्शन, लिमिटिंग फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रैक्शन। चलिए अब इनके अंदर लिखते हैं। तो पहला है हमारा क्या, स्थैतिक घर्षण। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए मैं बोल रहा हूं, जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है किंतु फिर भी दोनों पिंड स्थिर रहते हैं,
तो उनके संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक, अब आता है दूसरा, सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण की डेफिनेशन क्या होती है? जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है और दूसरा पिंड चलने के लिए तैयार हो जाता है, तो उनके संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाले घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारा गतिक घर्षण। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर चलने लगता है तो उनके संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो तीनों की डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है, जो गतिक घर्षण होता है ये भी दो प्रकार का होता है, यानी कि कोई वस्तु गति दो प्रकार से कर सकती है। एक तो वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरक सकती है। ठीक है, सरकना, जैसे इस टाइप से जो होता है सरकना, जब एक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ पर सरकता है तो इसको बोलते हैं हम सर्पी घर्षण। दूसरा जो हो सकता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़क सकती है, जैसे लुढ़क के जा रही है। ठीक है, तो गति ये भी गति है और इससे पहले वाली भी गति है। तो हमारा गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो गतिक घर्षण होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इसमें एक होता है सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, और दूसरा होता है बेलन घर्षण, बेलन, बेलन घर्षण, या इसका दूसरा नाम भी है लोटनिक, लोटनिक घर्षण। मतलब इसमें एक पिंड दूसरे पिंड पर लोटता है, जैसे रोटी के ऊपर बेलन लोटता है। ठीक है, तो रोटी और बेलन के मध्य में जो घर्षण लगता है वो कहलाता है लोटनिक घर्षण। ठीक है, एक पिंड दूसरे पिंड पर सरकता है वो कहलाता है सर्पी घर्षण। जैसे खिसल पट्टी होती है ना, उससे जो बच्चे सरकते हैं, तो बच्चे और पट्टी के बीच में जो घर्षण कार्य करता है वो कहलाता है सर्पी घर्षण। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर जो डस्टर चलता है, तो बोर्ड और डस्टर के मध्य में सर्पी घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, और जब साइकिल चलती है तो साइकिल के जो पहिए होते हैं वो जमीन पर लोटते हुए जाते हैं, तो वो कहलाता है आपका लोटनिक घर्षण। क्लियर, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर्पी घर्षण की? जब एक पिंड दूसरे पिंड पर सरकता है, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर सरकता है तो उनके संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, लोटनिक घर्षण क्या होता है? जब एक पिंड दूसरे पिंड पर लुढ़कता है तो उनके संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाले घर्षण को लोटनिक या बेलन घर्षण कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या आ जाएगी इसी में, इनमें एक एक चीज और भी हमें बतानी है। जो सर्पी घर्षण होता है, जैसे सर्पी घर्षण, जे सर्पी घर्षण है, तो सरकने वाले पिंड का वही भाग सदैव दूसरे पिंड के संपर्क में रहता है। यानी ये जो भाग जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर भी वही संपर्क में था, नीचे भी वही है, और नीचे लाएंगे तो वही है। तो सर्पी घर्षण में सरकने वाले पिंड का वही भाग सदैव दूसरे पिंड के संपर्क में रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें बेलन घर्षण में क्या हो जाता है? बेलन घर्षण में जो पिंड लुढ़कता है, जैसे जे लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो देखिए अभी जे लुढ़क रहा है, तो जे जो है ना, जे नीचे जे संपर्क में, अभी और लुढ़कता हुआ आएगा तो इसके भिन्न भिन्न भाग दूसरे पिंड के संपर्क में आएंगे। समझ रहे हैं ना? तो बेलन घर्षण या लोटनिक घर्षण में लुढ़कने वाले पिंड के भिन्न भिन्न भाग दूसरे पिंड के संपर्क में आते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत इसमें? तीसरा पॉइंट हम बताएं, तीसरी चीज, इन दोनों तीनों दोनों में डिफरेंस के तौर पे हम इनको ले सकते हैं कि जो पिंड सरकता है तो सर्पी घर्षण बल का मान अधिक होता है।
और लौटने घर्षण बल का मान कम होता है। देखिए दोनों में एक अंतर बता रहा हूँ। सपोज कीजिए हम साइकिल को ले जा रहे हैं ऐसे ही खाली हाथों में और उसके दोनों ब्रेक लगा लें और ब्रेक लगा के जब उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो उसके दोनों पहिए क्या होंगे, ज़मीन पर सरकेंगे। और जब ब्रेक लगाएंगे दोनों पहिए सरकेंगे तो हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब हमें बाह्य बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि भी जो पहिए हैं, पहिए और ज़मीन के बीच में जो सर्पी घर्षण बल कार्य कर रहा है वो ज़्यादा है। और यदि अभी उसी साइकिल के जो ब्रेक हम छोड़ दें और फिर उसको आगे बढ़ाएं तो उसके दोनों पहिए क्या होंगे, लुढ़कते हुए जाएंगे। तो घर्षण तो अभी भी लग रहा है, लेकिन अब कौन सा लग रहा है, लौटने घर्षण। तो इसको हम आसानी से लेके जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि सर्पी घर्षण बल का मान अधिक होता है और बेलन या लौटने घर्षण बल का मान कम होता है। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर सरकता है तो उनके संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाला घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर लुढ़कता है तो उनके संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाला घर्षण बेलन या लौटने घर्षण कहलाता है। क्लियर, कभी इन दोनों में अंतर आ जाए तो अंतर में पहला पॉइंट तो डेफिनेशन लिख दोगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट ये कि सरकने वाले पिंड का वही भाग सदैव दूसरे पिंड के संपर्क में रहता है, सर्पी में जी लिखोगे। लुढ़कने वाले पिंड के भिन्न भिन्न भाग दूसरे पिंड के संपर्क में आते हैं, तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, सर्पी घर्षण बल का मान अधिक होता है और लौटने घर्षण बल का मान कम होता है। ठीक है, तो सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण के बारे में आप समझ गए, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है घर्षण के नियम। तो घर्षण के कुछ नियम भी हैं। घर्षण का पहला नियम बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और इसी का ज्यादातर यूज होना है। घर्षण का पहला नियम है, जैसे देखिए सपोज कीजिए जे कोई टेबल है और जिसके ऊपर जे कोई वस्तु रखी है, मतलब कोई पिंड रखा हुआ है। ठीक है, इस पिंड पर हम क्या कर रहे हैं, इधर में बल लगा रहे हैं, बाह्य बल, इसलिए घर्षण बल किधर कार्य करेगा, इसकी विपरीत डायरेक्शन में। ठीक है, इस वस्तु में ये जो वस्तु है उसका जो भार है वो किधर कार्य करेगा, नीचे की तरफ। W मतलब वेट यानी भार, वो किधर कार्य करेगा, नीचे की तरफ, यानी कि जो पिंड टेबल के ऊपर रखा है तो वो नीचे की तरफ एक क्रिया बल लगा रहा है, लेकिन टेबल भी क्या करेगी, उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी। ठीक है, प्रतिक्रिया बल जिसको बोलते हैं हम R, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जितना, जैसे हम किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो जितना हम कुर्सी पर नीचे की तरफ बल लगाते हैं, कुर्सी भी उतना ही बल हम पर ऊपर की तरफ लगाती है। तो इस वस्तु का जितना भार है उतना बल नीचे की तरफ लग रहा है, और ये जो टेबल है उस वस्तु पर उतना ही प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगा रही है। ठीक है, तो समझ गए ना, जे हमारे द्वारा लगाया गया बाह्य बल, जे घर्षण बल, जे वस्तु का भार यानी क्रिया बल, और जे आर प्रतिक्रिया बल। अब देखिए नीचे की तरफ जितना ज़्यादा बल लगेगा ऊपर की तरफ भी उतना ही अधिक बल होगा, क्योंकि प्रतिक्रिया भी उतनी ही होती है, जितना क्रिया होता है उतना ही प्रतिक्रिया। यदि मान लीजिए ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 किलो है तो इसका भार नीचे कम होगा तो प्रतिक्रिया बल भी कम होगा। यदि ये वस्तु 5 किलोग्राम की है तो इसका भार क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि भार किस पर डिपेंड करता है, भार बराबर होता है mg, जी का मान होता है 10 और m इस वस्तु का द्रव्यमान है, तो m का मान जितना अधिक होगा उसका भार उतना ही अधिक होता है। समझ गए ना, तो 2 किलोग्राम वस्तु का भार कम होगा तो प्रतिक्रिया बल भी कम आएगा, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार ज़्यादा होगा तो प्रतिक्रिया बल भी ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रतिक्रिया बल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो प्रतिक्रिया बल भी ज़्यादा होगा, समझ गए ना। जब प्रतिक्रिया बल ज़्यादा होगा यानी वस्तु बड़ी हो चुकी है द्रव्यमान में, तो इसको खींचने के लिए हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा,
समझ गए ना, यदि वस्तु छोटी होती 2 किलोग्राम की होती तो इसको हम कंबल से भी खींच सकते थे, वस्तु बड़ी है तो इस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये जो बल है F किस पर डिपेंड करेगा, R पर, ठीक है। तो पहला हमारा घर्षण का नियम यही है कि पहला नियम है कि घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्योंकि जे बल ज्यादा लग रहा है तो जे बल भी ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जे दोनों भी आपस में कैसे होते हैं, अनुक्रमानुपाती में होते हैं। क्योंकि यदि इस बल का मान ज्यादा है तो घर्षण बल भी क्या हो रहा होगा, ज्यादा ही लग रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात एफ समानुपाती आर। ये घर्षण बल और जे प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया जो ऊपर की तरफ हमें प्रतिक्रिया में प्राप्त हो रहा था, ठीक है। जिस समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगाएंगे यहाँ पर म्यू और आर जैसे का जैसा, जहाँ म्यू एक नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, जहाँ म्यू नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। न तो इसका कोई मात्रक होता है ना इसका कोई विमीय सूत्र होता है, तो घर्षण गुणांक का मात्रक और विमीय सूत्र कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। जी जो घर्षण बल होता है वो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब ये हुआ कि यदि पृष्ठ चिकने हैं, दोनों पृष्ठ चिकने हैं तो घर्षण बल कम लगेगा, और यदि दोनों पृष्ठ खुरदरे हैं तो घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे जब हम जमीन पर चलते हैं तो हमारे पैरों और जमीन के मध्य घर्षण बल अधिक होता है, यदि हम टाइल्स पर चलते हैं तो हमारे पैर और टाइल्स के मध्य घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए कभी कभी हम फिसल भी जाते हैं, ठीक है। तो घर्षण बल संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट हमारा घर्षण बल संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब समझ गए। तीसरा पॉइंट, घर्षण बल जो होता है वो पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, घर्षण बल पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। जैसे सपोज कीजिए जब हमारा बोर्ड इतना बड़ा है, यहाँ पर जैसे हम घर्षण बल लग रहा है, यहाँ पर यदि इस बोर्ड को आधा काट दिया जाए तब भी यहाँ पर इतना ही घर्षण बल लगेगा, तो ये पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है इस पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे, घर्षण बल पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता, ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे, जो घर्षण बल होता है वो संपर्क पृष्ठों के अनुदिश कार्य करता है। अनुदिश का मतलब यह है कि जैसे मैं इस बोर्ड को हाथ से साफ कर रहा हूँ तो देखिए मैं बल नीचे को लगा रहा हूँ, घर्षण बल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो क्या पृष्ठ के अनुदिश कार्य करेगा, जो दोनों पृष्ठ जो है तो उसके अनुदिश कार्य करता है, मतलब उसके समांतर कार्य करता है या उसी की स्पर्श रेखा में कार्य करता है। तो घर्षण बल पृष्ठों के समांतर या अनुदिश या स्पर्श रेखा में कार्य करता है, दोनों की स्पर्श रेखा में। तो घर्षण बल संपर्क पृष्ठों के अनुदिश कार्य करता है अनुदिश
कार्य करता है। ठीक है, एक जो हमारा पॉइंट जो मैंने लिखवाया था ना, एफ बराबर म्यू आर, ये हर प्रकार के घर्षण के लिए लागू होगा। ठीक है, हमारे तीन घर्षण है, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण, तो तीनों पे लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जी, घर्षण बल जे एस, जे एल और के, जी ऑब्लिक लगा लगा के लिखा है मैंने, बराबर म्यू एस एल के और जे आर। जैसे जैसे हमें स्थैतिक घर्षण के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एस बराबर म्यू एस आर, या एस का मतलब है स्थैतिक, मतलब स्टैटिक फ्रैक्शन, एस टी ए टी आई सी, स्टैटिक फ्रैक्शन, और जे स्थैतिक घर्षण गुणांक, वैसे इसको क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक, यहाँ बोलेंगे स्थैतिक घर्षण गुणांक। दूसरे पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बराबर यू एल आर, यहाँ एल का मतलब है लिमिटिंग, लिमिटिंग मतलब सीमांत, यानी सीमा, लिमिट मतलब क्या होता है, सीमा, तो एफ एल बराबर म्यू एल आर। गतिक के लिए लागू करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ के बराबर म्यू के आर, के का मतलब है काइनेटिक, काइनेटिक यानी गतिक, तो जो हो जाएगा गतिक घर्षण बराबर गतिक घर्षण गुणांक इंटू प्रतिक्रिया वाला अभिलंब प्रतिक्रिया। तो तीनों के लिए जी आप लिख लेना, इसको नोट करके लिख लेना। ठीक है, तो तीनों के लिए फॉर्मूला जो हो जाएगा, हम शॉर्ट में इसको इतना ही लिख लेते हैं, जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आता है हमारा अगला प्रश्न है, घर्षण कोण किसे कहते हैं, तथा सिद्ध करो घर्षण कोण की स्पर्श ज्या का मान स्थैतिक या सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है, क्योंकि सीमांत घर्षण भी अपने आप में स्थैतिक घर्षण ही होता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, हमारा क्वेश्चन है घर्षण कोण किसे कहते हैं, घर्षण कोण किसे कहते हैं, कहते हैं घर्षण कोण की स्पर्श ज्या मतलब टेन, स्पर्श ज्या का मान सीमांत घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, घर्षण कोण। ठीक है, लेकिन पहले मैं चित्र बना रहा हूं, चित्र से समझ के डेफिनेशन लिखेंगे। सपोज कीजिएगा कि जे पृथ्वी तल है और इस पर जो कोई पिंड रखा हुआ है, इस पिंड का द्रव्यमान है स्मॉल एम, तो इसका भार किधर कार्य करेगा, नीचे की तरफ, W बराबर mg। ठीक है, भार नीचे की तरफ, अभिलंब प्रतिक्रिया किधर कार्य करेगा, जे ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधा खींचना, जे इस पर नीचे की तरफ क्रिया बल लगा रहा है, पृथ्वी इस पर प्रतिक्रिया बल लगा रही है। ठीक है, इसके द्रव्यमान को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब देखिए मैं इस पर इस डायरेक्शन में बल लगा रहा हूँ, या सपोज कीजिए मैं इस पर इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा हूँ किसी बल से, तो मेरे द्वारा लगाया गया बल हो गया एफ। जब इस पिंड को मैं इस डायरेक्शन में खींचूंगा तो जो संपर्क पृष्ठ है वो इस पर विपरीत डायरेक्शन में बल लगाएगा, यानी विपरीत डायरेक्शन में जो बल लगेगा वो घर्षण बल कहलाएगा। तो घर्षण बल किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन। अब मेरे द्वारा लगाया गया बल और घर्षण बल दोनों आपस में बराबर है, यानी मैं इसको खींच रहा हूं लेकिन पिंड बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो गया है लेकिन चल नहीं रहा है, तो मेरे द्वारा लगाया गया बाह्य बल और घर्षण बल दोनों आपस में बराबर है, तो इस प्रकार के घर्षण को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रैक्शन, यानी एफ एल, समझ गए ना, एफ एस भी लिख सकते थे, स्थैतिक भी बोल सकते थे, लेकिन वो स्थैतिक का अधिकतम मान माना जाता। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें,
तो देखिए घर्षण स्थैतिक सॉरी सीमांत घर्षण बल की डायरेक्शन जी हो गई और अभिलंब प्रतिक्रिया की डायरेक्शन ऊपर के लिए हो गई। अब दोनों का जो परिणामी निकालेंगे, जैसे दो बल लग रहे हैं ना, तो दो बलों का परिणामी निकालेंगे तो वो बीच में आएगा कहीं इसके आसपास। तो दोनों बलों का मैं निकाल रहा हूँ जी, आ रहा है इसका परिणामी बल। कोई दिक्कत? तो देखिए सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं और लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं और लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ गए ना? इस पॉइंट को मान लीजिए कि आप ओ यहाँ लिख दे रहा। अब देखिए इसमें मैं इसको डेड डैश करके इसको चित्र में त्रिभुज बना रहा हूं, इधर से भी कर दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसको नाम दे दिया मैंने ओ, इसको ए नाम दे दो और इस पॉइंट को बी दे दो, चाहे इसको दे दो किसी एक को दे दो, एक की जरूरत पड़ेगी। समझ गए ना? तो जी हमारा चित्र तैयार हो जाता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, सीमांत घर्षण बल, वही वाला सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं तथा इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, अविलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं और लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसका फॉर्मूला ड्राइव करें। तो कैसे लिखेंगे कि माना स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में रखी है। ठीक है, तो माना, देखिए पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन के बाद चित्र बनाएंगे और फिर इसका डेरिवेशन। ठीक, तो माना स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु जो क्षैतिज है, क्षैतिज तल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में रखी है। इस स्थिति में उस पर निम्न बल कार्य करते हैं, यानी उस पर कुछ बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल उसका भार, वस्तु का भार mg, ये किधर कार्य कर रहा है? नीचे की तरफ, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। मैं यही लिख रहा हूं, ये थोड़ा साफ कर दे रहा हूं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, बल है इसलिए सदिश राशि है, सॉरी बल है और बल कैसी राशि है? सदिश, तो सदिश राशि में दिशा भी बताना पड़ता है।
दूसरा कौन सा बल कार्य कर रहा है? अविलंब प्रतिक्रिया, अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर। ये किधर कार्य कर रहा है? ये जस्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है। तीसरा, हम जो बल लगा रहे हैं कैपिटल एफ बल, इधर लगा रहे हैं, यहां पर जो मैंने साफ कर दिया बाह्य बल कैपिटल एफ, मैं जो बल लगा रहा हूं उसको बोलेंगे बाह्य बल कैपिटल एफ। ये किधर कार्य कर रहा है? क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, ठीक है, क्योंकि इसको अपन क्षैतिज बोलते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर, तो हम कौन सी दिशा में बल लगा रहे हैं? क्षैतिज दिशा में। चौथा बल कौन सा लग रहा है? चौथा सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल एफ एल। ये किधर कार्य कर रहा है? जो हम बल लगा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में, क्योंकि घर्षण बल हमेशा जो बल लगाते हैं उसकी विपरीत दिशा में कार्य, तो ये क्या हो जाएगा? बाह्य बल की विपरीत दिशा में, बाह्य बल की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो यदि इसको भी हम क्षैतिज में लिखते तो क्लियर नहीं हो पाता, तो अब जो हो गया कि हम इधर बल लगा रहे हैं तो घर्षण बल हमारे द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में, क्लियर। तो जी यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें जी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ बी ए, ठीक है, तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज, सॉरी अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, देखिए इसमें हमें जे भुजा मालूम है, जे भुजा कितनी है? एफ एल। इधर में कौन सा बल लग रहा है? एफ एल बल लग रहा है, तो जे भुजा कितनी हो जाएगी? एफ एल, ठीक है। और जे भुजा कितनी है? इधर में अविलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है, तो जे भुजा हो जाएगी आर। जब जे आर होगी तो जे भी आर हो जाएगी, क्योंकि जे दोनों एक दूसरे के समांतर है, समझ गए ना, जे एक आयत टाइप का बन गया है, तो इसकी जितनी भुजा जे होगी उतनी भुजा जे होगी, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, क्लियर। तो त्रिभुज ओ बी ए में, तो देखिए हमें एक भुजा तो जे मालूम है और एक भुजा जे मालूम है। चलिए हम जिस त्रिभुज को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कोण समझ में नहीं आ रहा है हमें, कोण तो इसमें बन रहा है जे बगल वाले में, तो हम इसको बी नहीं माने, हम इस वाले को बी मान ले रहे हैं। इसको भी ले सकते थे, जे कोण लेते अल्फा तो इसको अल्फा बना दे, सॉरी जे लैम्डा है तो इसको लैम्डा बना सकते थे, लेकिन हम इतना नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं ओ बी ए में। तो देखिए जब जे भुजा कौन सी है? एफ एल, तो जे एफ एल हो जाएगी, ठीक है। और जे भुजा में मालूम है आर, अविलंब प्रतिक्रिया इधर कार्य कर रहा है, तो जे हो जाएगी आर और जे हो जाएगी एफ एल। जब जे एफ एल है तो जे एफ एल हो जाएगा। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए, इसके सामने तो जे लंब हो जाएगा, जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब, जे 90 डिग्री का है तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, और शेष आधार तो जे आधार होगी, ठीक है। तो जे जरूरी नहीं है कि आधार नीचे ही होता है, जे कोण पर डिपेंड करता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, जो हमने कोण लिया है जो न्यून कोण है उसके सामने की भुजा लंब और शेष आधार। तो इसमें हमें दो भुजा मालूम है, एक तो जे मालूम है और एक जे मालूम है, तो या तो हम लंब बटे आधार लिख दें या आधार बटे लंब, तो मैं लंब बटे आधार लिख दूँ। तो इस त्रिभुज में टेन लैम्डा बराबर, क्योंकि लंब बटे आधार टेन ही बनता है, तो टेन लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा ओ बी, ठीक है। देखिए जो हो गया लंब और जो हो गया आधार, तो टेन लैम्डा बराबर ए बी का मान कितना दिया है? जे मान, यानी जे एफ एल। ओ बी का मान जे, यानी जे हो जाएगा आर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि देखिए जितना जे होगा उतना ही जे होगा, और जितना जे भुजा होगी उतनी जे भुजा होगी। अब जे भुजा हमें कितनी दी? एफ एल, तो जे एफ एल हो गया। और जे भुजा कितनी है? इधर में आर दिया है, क्योंकि इधर आर बल कार्य कर रहा है, इधर एफ एल कार्य कर रहा है। इसको समीकरण नंबर एक।
परंतु ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी, एफ बराबर म्यू आर, इसको सीमांत घर्षण के लिए अप्लाई कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये म्यू एल को इधर ले आओ, सॉरी आर को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, एफ एल बटे आर बराबर म्यू एल, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख दूं तो म्यू एल बराबर क्या हो जाएगा, एफ एल बटे आर। समीकरण नंबर दो, समीकरण एक और दो की तुलना कर दे, दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। समीकरण एक व दो की तुलना से, तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन लैम्डा बराबर म्यू एल। तो ये हमें सिद्ध करना था कि घर्षण कोण की स्पर्श ज्या का मान सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है। इसको बोलेंगे सीमांत घर्षण गुणांक, लैम्डा घर्षण कोण होता है, टेन का मतलब स्पर्श ज्या। तो घर्षण कोण की स्पर्श ज्या का मान सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नीचे लिख देना, अर्थात घर्षण कोण की स्पर्श ज्या का मान सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ओके? अगला क्वेश्चन हमारा, ब्राम कोण किसे कहते हैं, सिद्ध करो ब्राम कोण की स्पर्श ज्या का मान सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है। मैं लिख रहा हूं, ब्राम कोण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ब्राम कोण की स्पर्श ज्या का मान, स्पर्श ज्या का मान सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है, सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे ब्राम कोण की, तो हम चित्र को देखकर डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए चित्र कैसे बनाना है, सपोज कीजिएगा कि ये क्षैतिज है, ठीक है, ये पृथ्वी तल है, ठीक, यहां पर कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु का द्रव्यमान है स्मॉल m, तो इसका भार किधर कार्य करेगा, नीचे की तरफ, और अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R ऊपर की तरफ, ठीक है। सपोज कीजिए ये वस्तु किसी पृष्ठ पर रखी थी, ठीक, अब यदि इस पृष्ठ को हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा दें कुछ कोण पर, जैसे सपोज कीजिए जो मकान में सीढ़ियां बनाते हैं ना, तो सीढ़ियों के लिए इस टाइप का बनाया जाता है तिरछा, ठीक है, RCC से बनाते हैं ना, तो इस टाइप से यदि इसको हम उठा दें, तो देखिए जैसे ही हम उठाएंगे तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, जब इसको हम इधर से ऐसे उठा देंगे तो ये ऐसी स्थिति बन जाएगी, ये जो वस्तु है वो यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। भार तो उसका हमेशा नीचे की तरफ कार्य करेगा mg, और जो अविलंब प्रतिक्रिया है वो क्या हो जाएगा, तिरछे में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, कोई दिक्कत इसमें, चलिए मैं चित्र बना रहा हूं। ये क्षैतिज तल है और क्षैतिज पर जे इस टाइप की कोई शेप बनी है, इस शेप को बोलते हैं नत समतल, इसका नाम होता है नत समतल। ये कुछ कोण झुका हुआ है, इस कोण को मान ले रहा हूं मैं थीटा, यानी जे क्षैतिज से थीटा कोण उठा हुआ है, यहां पर जे कोई वस्तु रखी, कोई पिंड रखा हुआ है, इस पिंड का द्रव्यमान है स्मॉल m, तो इसका भार किधर कार्य करेगा, जे नीचे की तरफ, भार mg किधर कार्य करेगा, नीचे की तरफ, ठीक है, m इसका द्रव्यमान है, अविलंब प्रतिक्रिया ऐसा हो जाएगा, जे कितना कोण झुकेगा अविलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर से, इतना कोण थीटा कोण, तो जे अविलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण झुक चुका है, ठीक है। अब देखिए जब ये वस्तु ऐसे में इसके ऊपर तिरछी रखी होगी तो ये क्या नीचे की तरफ फिसलने की कोशिश करेगी, ये क्या होगा, नीचे के लिए फिसलेगी,
जैसे ही ये नीचे की तरफ सरकने की कोशिश करेगा, ये जिस पृष्ठ पर रखा हुआ है वो पृष्ठ इस पर विपरीत डायरेक्शन में घर्षण बल लगाएगा। तो घर्षण बल की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर के लिए, यानी जो नीचे वाला पृष्ठ है वो इस पर ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा ऐसे, जिसको बोलेंगे हम घर्षण बल। और ये जो पिंड नीचे के लिए सरक रहा है, ये क्या कर रहा है? बाह्य बल लगा रहा है। मतलब ये क्या होगा, इस बल से नीचे की तरफ आना चाहता है, ये बल एफ है। लेकिन ये पिंड सरक नहीं रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पिंड जितना नीचे की तरफ बल लगा रहा था, नीचे वाला पृष्ठ उतना ही इस पर विपरीत डायरेक्शन में घर्षण बल आरोपित कर रहा है। मतलब ये दोनों बल आपस में क्या हो चुके हैं? बराबर हो गए हैं। तो इसको बोलेंगे हम सीमांत घर्षण बल। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, ये बल यहां पर कहां से आया? ये बल तो है ही नहीं, हम तो कोई बल लगा ही नहीं रहे। तो इसका मतलब ये बल कौन लगा रहा था? ये पिंड ही लगा रहा था। तो इस बल को नाम हम एफ नहीं देंगे, कुछ और बल बनेगा जी। अब देखिए, जो इसका भार है एमजी, एमजी भार दो घटकों में वियोजित हो चुका है। तो एमजी के दो समकोणिक घटक बनाएंगे, तो एमजी का एक तो समकोणिक घटक जे हो जाएगा और दूसरा समकोणिक घटक जे होगा। देखिए, जे कोण यदि थीटा है तो जे कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब एमजी के दो घटक हो जाएंगे, एक एमजी कॉस थीटा और एक एमजी साइन थीटा। ठीक है, जब कोई भी सदिश राशि ना तो क्षैतिज में कार्य करती ना ऊर्ध्वाधर में, तो दो घटकों में वियोजित करते थे, पिछले क्वेश्चन में बताया था ना। तो एमजी को दो घटकों में वियोजित करेंगे तो एमजी के दो घटक होंगे एमजी कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा। जिस वजह से कोण बनाती है उसको कॉस में लेते हैं। तो देखिए, इसमें से कोण बना रही है तो जो हो जाएगा एमजी कॉस थीटा, और जो हो जाएगा इधर वाला एमजी साइन थीटा। समझ गए ना? तो इधर में जी एम जी साइन थीटा बल के कारण जी नीचे के लिए फिसलने का प्रयास कर रहा है। तो एम जी साइन थीटा बल तो क्या कर रहा है? नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, जिसके कारण जी फिसलने की कोशिश करेगा। लेकिन जो घर्षण बल है वो इस पर विपरीत डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। जो दोनों संपर्क पृष्ठों पर जो घर्षण बल लगा है वो किधर? इसके विपरीत डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, इसलिए जी यहाँ से फिसल नहीं पा रहा है। जो एम जी कॉस थीटा है वो इस नत समतल को दबाने का प्रयास कर रहा है, यानी उसी बल के कारण ये दब रहा है। तो इस प्रकार का हमें चित्र बनाना है। डेफिनेशन क्या होती है? अभी जो बिल्कुल संतुलित रखा हुआ है, किसके ऊपर है? नत समतल के ऊपर। तो डेफिनेशन जो होती है कि जब कोई पिंड नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है तो नत समतल का क्षैतिज से झुकाव ब्राह्म कोण कहलाता है। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, जब कोई पिंड नत समतल पर, नत समतल बोलते हैं, नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है, सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है तो नत समतल का क्षैतिज से झुकाव ब्राह्म कोण कहलाता है तथा इसे थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ गए ना? जे कोई पिंड है नत समतल पर रखा है, बिल्कुल संतुलित रखा है। संतुलित रखने का मतलब उस पर जितना बल इधर को लग रहा है उतना ही ऊपर को लग रहा है, जितना बल नीचे को लग रहा है उतना ही ऊपर को लग रहा है। तो बिल्कुल संतुलित है, संतुलन की स्थिति में रखा है। अब ऐसी स्थिति में क्षैतिज से जितना झुकाव होता है वो कोण ही ब्राह्म कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसका मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर चित्र बनाएंगे और फिर ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो वही चीज लिखूंगा कि माना इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, कहीं भी लिख देना, याद रखना। माना स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड
क्षैतिज से थीटा कोण पर झुके नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा है। इस स्थिति में उस पर निम्न बल कार्य करते हैं। यानी कौन कौन से बल कार्य करते हैं? देखिए, पहला बल पिंड का भार mg किधर कार्य कर रहा है जी? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यानी इसका जो भार है वो किधर कार्य कर रहा है? नीचे की तरफ। दूसरा पॉइंट, ये जो अविलंब प्रतिक्रिया है वो किधर कार्य कर रहा है? ये नत समतल के लंबवत है, यानी नत समतल के लंबवत ऊपर की ओर। जैसे नत समतल ऐसा है और उसके में ये क्या है? लंबवत है बिल्कुल। तो हम इसको लिखेंगे अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर। क्या लिखेंगे? नत समतल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सीमांत घर्षण बल FL जे किधर कार्य कर रहा है? जे नत समतल के अनुदिश ऊपर की तरफ। जैसे जे मान लीजिए ढलान है, तो जे ढलान के ऊपर को कार्य कर रहा है, समझ गए ना? जैसे सीढ़ियां है ना, तो सीढ़ी के अनुदिश ऊपर की तरफ, तो इसको बोलेंगे नत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर। ठीक है, तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देखिए, यहां से चौथा नहीं बनेगा। चौथा पॉइंट क्या होगा इसमें? चौथा नहीं मतलब ए और बी पॉइंट करेंगे। ये जो एमजी है, इसको दो घटकों में हमने वियोजित किया है, तो इनके बारे में बताएंगे। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे नई लाइन से, एमजी को दो समकोणिक घटकों में वियोजित करने पर अब इसके दो घटक हो जाएंगे। तो एक को मैं ए नाम दे दूं और एक को बी। तो ए में कुछ भी लिख दो, ये हो जाएगा एमजी कोस थीटा। जी एमजी कोस थीटा किधर कार्य कर रहा है? देखिए, ये नत समतल है और नत समतल के लंबवत नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो इसको लिखेंगे नत समतल के लंबवत नीचे की ओर। और दूसरा एमजी साइन थीटा, तो जे किधर कार्य कर रहा है? जैसे जे ढलान है ना, इस टाइप से जे ढलान है, तो एमजी साइन थीटा इस पे नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, यानी एमजी साइन थीटा ऐसे कर रहा है। तो नत समतल के अनुदिश नीचे की तरफ, मतलब नत समतल के समांतर नीचे की ओर, नत समतल के अनुदिश नीचे की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे?
सीमांत संतुलन की स्थिति में ये सभी बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे सीमांत संतुलन की स्थिति में, स्थिति संतुलित है मतलब सभी दिशाओं से उस पर बराबर बल लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर की तरफ लगने वाला बल R, नीचे की तरफ लगने वाला बल एम जी साइन थीटा, तो ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे और ये दोनों आपस में बराबर हो। कोई भी चीज़ संतुलित कब रहती है, जब उस पर सभी दिशाओं से लगने वाले बल बराबर होते हैं। तो यह बल इस बल के बराबर हो जाएगा और ये बल इस बल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं ऐसे लिख दूं, एम जी साइन थीटा बराबर एफ एन, ठीक है, और एम जी कॉस थीटा बराबर आर। ये समीकरण नंबर एक और ये समीकरण नंबर, समीकरण एक में दो से भाग दे दो, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग, लेफ्ट में लेफ्ट का, राइट में राइट का। तो एम जी साइन थीटा बटे एम जी कॉस थीटा बराबर एफ एल बटे, देखिए mg से mg कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर एफ एल बटे आर। ये समीकरण नंबर तीन हो गया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए परंतु वही वाला फॉर्मूला, f बराबर क्या होता है म्यू आर, तो एफ एल बराबर म्यू एल आर, आर को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा एफ एल बटे आर बराबर म्यू एल, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख दूं तो म्यू एल बराबर एफ एल बटे आर। ये समीकरण नंबर चार, देखिए समीकरण तीन और चार की तुलना करते हैं, दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण तीन व चार की तुलना करने पर, तीन व चार की तुलना से तो क्या आ जाएगा टेन थीटा बराबर म्यू एल। तो इसका मतलब ये हो गया, थीटा का मतलब है विराम कोण, टेन का मतलब हो जाता है स्पर्श ज्या, तो विराम कोण की स्पर्श ज्या का मान सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात विराम कोण की स्पर्श ज्या का मान सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। अगला प्रश्न आता है हमारा कि सिद्ध करो घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है, सिद्ध करो करो घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है, विराम कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, अभी हमने लिखा था घर्षण कोण की स्पर्श ज्या का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है, घर्षण कोण की स्पर्श ज्या का मान सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है, के बराबर होता है। अर्थात टेन लैम्डा बराबर म्यू एस, समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार अभी हमने प्रूव किया विराम कोण की स्पर्श ज्या का मान, विराम कोण की स्पर्श ज्या का मान सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है, गुणांक के बराबर होता है। अर्थात क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर म्यू एस, समीकरण नंबर दो। ये दोनों ही अभी हमने प्रूफ किए, दोनों का राइट साइड बराबर है, लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा समीकरण एक व दो की तुलना से। तो क्या हो जाएगा
टेन लैम्डा बराबर टेन, टेन से टेन हट जाएगा तो लैम्डा बराबर थीटा, अर्थात घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। तो इस तरह जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।